नमस्कार, आज आम देखा रिसव कंपानी क्लांप मीटर जोटा कि टंग टेस्टर भी कहुए रेस क्लांप ईएस 1000 एसी आर स्पेसिफिकेशन जानवा कम केमी होटा भी जाना बर्तमान यहाँ भी आम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तरफ यहाँ समस्त को डिस्ट्रीब्यूट कर प्रति लाइनमैन मान को डिस्ट्रीब्यूट कराए कहीं ट्रांसफर्मर लोड नापी कि कौ फेज रे करंट फ्लो कर एलटीर से विषय में जानापी एटा दि जाए ता भितर देखो आर स्पेसिफिकेशन प्रथम देखो आर आ भितर आम दुईटा बैटेरी पड़ू 1.5 वोल्टर ट्रिपल ए बैटेरी दुईटा पड़ू ये जगह एटी एटा रहा क्लिप जोटा कि आम माउथ ओपन करने तार जो यहाँ आम अपटू 51 यहाँ जॉ कौ एक्चुअली माउथ नुह तक जॉ कौ अपटू 51 एमएम पर्यंत सी ओपन हम ता भितर आम आ भितर कौन कौन स्पेसिफिकेशन रही आम बर्तमान देखा दुईटा प्रोब दि जाऊँ ए गोटे रेड कलर गोटे ब्लैक अर्थिंग ग्राउंड पर इंटरचेंज हेल्ले भी सेमती किसी प्रॉब्लम नहीं ऑपरेटिंग बर्तमान ऑफ कंडीशन रे अछि ताको आम प्रथम पूरा लेफ्ट साइड रे देखिबा बर्तमान एटा रहला एसी वोल्टेज एसी सिंबल दिया जाइछि एटा रहला एसी वोल्टेज शो करिवो तापर सिंबल रहउछि डीसी सिंबल डेथरे जोटा कि डीसी वोल्टेज रो वैल्यू शो करिवो एटा ऑटो ऑटो रे सिलेक्ट हो अच्छी आप ऑटो के भी मानुअल रे चेंज करेंगे यहाँ रहा आम टेम्परेचर जोटा कि टेम्परेचर शो कर डिग्री सेल्सियस रे शो करा शो कर के टाइप थर्मोकपल ता भितर अच्छी जोटा सेंसर अच्छे थर्मल सेंसर के टाइप थर्मोकपल थर्मल सेंसर जी कि आमर सेन्स कर यहाँ रहा अफ यहाँ रहा रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने रेजिस्टेंस मेजरमेंट कला गोटे जिनको आम सियोर रखा पड़ो जमी जो जेको जिन रेजिस्टर हो ट्रांजिस्टर हो जहाँ भी आम रेजिस्टेंस टेस्ट करे जमी से इलेक्ट्रिकली डेड थी दरकार नचे वैल्यू भेरी करें से रेजिस्टेंस यहाँ हूँ रेजिस्टेंस चेक नेक्स्ट टू दैट यहाँ आम कंटिन्यूटी टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट मैंने जदि कौटी फर एक्जाम्पल आम जदि जमी 6 कोर 7 कोर 10 कोर रेबुल आम यूज करूँ मझे जब कौटी सर्ट थी कि केबुल छिड़ जाइए सर्ट थी मुझे जना पड़नी कमी जाना ये आम सिलेक्ट करवापर दुईटा एक टर्मिनाल को टेस्ट भी आम करदे जेकोसी गोटे तार को टेस्ट बर्तमान आम टेस्ट भी करवा टेस्ट कले ये जना पड़ो जदि यहाँ बीप साउंड कर बर्तमान ये बीप साउंड करनी ये डायोड्र सिंबल दिखाई डायोड्र सिंबल दी जगह बर्तमान बीप कर येलो मार्क अच्छे यहाँ एबे बर्तमान ये से बीप कर ये बर्तमान जब आम सर्ट करवा कि जगह आम कंटिन्यूटी टेस्ट कराया चाहिए तेज जाए कि ये बर्तमान बीप कर यहाँ रहा डायोड सिंबल पर यहाँ रहा कैपेसिटेंस रहा कैपेसिटर सिंबल दिखाई है कैपेसिटेंस चेक करने अच्छी तो यहाँ वैल्यू से देखा रिलेटिव वैल्यू तार जीरो सेट करने जीरो भी सेट करमती किसी ये ना प्रॉब्लम किसी ना कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट करापर को आसला एनसीबी 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 हूँ आम कौन पाई नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मेजरमेंट एनसीबी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मेजरमेंट मैंने 75 वोल्ट उपरको जदि किसी पाखे तार मान ये निजे गोटे एनसीबी मान हूँ नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज एम गोटे जेकोसी स्विच बोर्ड हो किसी वायर हो सप्लाई अच्छी ना ना जानापी हेल्ले आमको ये एनसीबी रे सेट कर से इक्विपमेंट पाखे रखिले सी आमको बीप साउंड कर पाखे जेहतु इलेक्ट्रिकल वायर अच्छे से सेन्स भी करुच्चे सी तो एनसीबी से ही जिनसपाई अच्छी एनसीबी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज से सेन्स कर आपंक बिना कौन जमी टेस्टर को टच कले जमी जना पड़ी सेमती किसी करवा दरकार ना एनसीबी को सेट कर लाइन पाखे रखिले मन मन जमी बीप साउंड आसूस बीप साउंड आसपर यहाँ रहा एसी करंट सिंबल एसी करंट सिंबल एसी करंट सिंबल आम टोटल आम जोटार मेन पर्पज आम रोचे जिते आम जेकोसी गोटे कंडक्टर के करंट फ्लो कर कंडक्टर केबुल जहाँ कि गोटे छोट एल टी बसबार है भितर के करंट आम फ्लो करा जानापी हेल्ले आमको सिंपल यहाँ पचाड़ प्रेस करवा कंडक्टर भितर लगे बस देखिए रेजल्ट पल आस बर्तमान मो पाखे किसी ना बर्तमान से आम टेस्ट कर देखा सेतरे आमर करेन्टा के फ्लो करें जानपर ये मेसीन में आम अपटू एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज
हजार वोल्ट पर्यंत आम मेजर करपरिया एसी करेन्ट अप टू हजार एम्पीयर पर्यंत आम मेजर करपरिया कंटिन्यूटी टेस्ट सेतबेळे साउंड बीप करिवो जोटा कि आम डायोड सिंबल अच्छी एटि सेतबेळे बीप साउंड करिवो जेतबेळे आमर 75 ओम ठारु तळकु थिवो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जदि 75 ओम रु लेस थिवो तबे कंटिन्यूटी चेयर रे एटा बीप साउंड करिवो एनसीबी नो करंट वोल्टेज जो नो करंट एनसीबी जोड़ा अच्छी एनसीबी सेत सेन्स कर जितेबले तार सप्लाई माने 75 वोल्ट रु एनसीबी सेतबले शो कर जितेबले वोल्टेज आमर 75 वोल्ट रु ऊपर को थिबो किमा 50-60 हर्ट्ज रे थिबो सप्लाई पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50-60 फ्रीक्वेंसी जदि पावर सप्लाई तो सेतबले एनसीबी सेन्स कर सिस्टम अच्छी ऑटो पावर ऑफ अच्छी ऑटो पावर विदिन 15 मिनिट पर्यंत आपण जदि किछि यूज न करबे ताले से ऑटो पावर स्विच ऑफ हो जइबो देन सबटु आरो लाइट पई किछि स्पेशल सेमति किछि नै जो डिस्प्ले लाइट पई सेमति किछि स्पेशल कोनोसी की नै किंतु आपण जदि दीटा की को मिसै की चिपबे तबे डिस्प्ले लाइट भी आसीबो ओके एथरे वर्तमान आइटा हम देखिले वर्तमान आको हम टेस्ट करबा आ गोटे भी जिंस देखौ छी ए येलो मार्क जो एपटे थोड़ा ये अच्छी एपटे रहा डीसी एपटे रहा एसी बर्तमान ये देखते कम देखा डीसी ऑटो लिखाई अच्छी बर्तमान आम येलो जो बटन मार से बर्तमान एसी को पलि आसा मैंने येपटा फंक्शन करा फंक्शन करने येलो बटनटा यूज करवा निहाती जरूरी बाकी यहाँ को आम गोटे छोट टेस्ट करवा गोटे गोटे स्विच बोर्ड अच्छी चेक करिया वर्तमान ये आम गोटे सिंपल गोटे इलेक्ट्रिक बोर्ड थी जी कि ना स्विच ऑफ अच्छे ये आम लगला प्रोब गोटे पटे रेड वायर लगे गोटे पटे ब्लैक वायर लगे कि ना सिंपल ये अच्छे जस्ट मु स्विच ऑन करुँ वोल्टेज मेजरमेंट करने तो के 228 वोल्ट अच्छे शो कर एसी ऑटो ओके बर्तमान देख एटा रेड मार्क ये कहे ये बर्तमान एपट रहा हर्ट हर्ट सिंबल अच्छी परसेंटेज सिंबल अच्छे ओके परसेंटेज इज पर ड्यूटी साइकिल जदि आम येलो मार बर्तमान ये देखा के पाउच देखा मैंने 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई आम पाउच 50 हर्ट्ज मीन 50 फ्रिक्वेन्सी 50 साइनोसोइडल वेव पर सेकेंड ओके बर्तमान आउ थे जी जी आम परसेंटेज पाइबा यहाँ हूँ आम ड्यूटी साइकिल 49.6 ड्यूटी साइकिल नेक्स्ट डीसी को जीवा डीसी गले बर्तमान यहाँ डीसी देखिए आम आपको देखते बर्तमान येलो मु मारि से डीसी अच्छे कि येलो बटन चिपिले आसला कौट कि एसी को एसी वोल्ट कैसे 236 फ्लक्चुएट होती लगे टी 5-6 सेम से देख से किसी कथा ना टोटल टेम्परेचर बर्तमान टेम्परेचर चेक करने को देख बर्तमान आम टेम्परेचर चेक करने जीटा रखिले के 29 डिग्री सेलसीयस ठीक अच्छे आम तो टेम्परेचर कभी यूज करूँ तथा भी जस्ट खाली गोटे चेक करने 29-30 डिग्री सेलसीयस टेम्परेचर शो करके येलो मारे किसी लाभ नहीं कारण एपटे किसी ना नेक्स्ट तो अफ अच्छी तापर आसला रेजिस्टर रेजिस्टर तो आम जेकोसी वायर चाहिए रेजिस्टर मेजरमेंट कर किसी दरकार नहीं तापरक आसला कंटिन्यूटी यहाँ जो रहा यहाँ हूँ आम कंटिन्यूटी चेक अच्छे कंटिन्यूटी चेक जो अच्छी तार बहुत कम लगे कंटिन्यूटी चेक बर्तमान देख आम वायर को वायर टच कर आवाज आस बर्तमान येलो स्विच मारे एपटे येलो कम कर ठीक अच्छे बर्तमान सिंबल आसला एपटे भी ये भी सिंबल शो कर माइक्रो सिंबल शो कर
ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି କେବୁଲ ଭିତରେ 2 କୋର 3 କୋର 4 କୋର 10 କୋର ଯାହା ବି କେବୁଲ କେବୁଲ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସର୍ଟ ଥିବ କି ଫାଟି ଥିବ ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଶୋ କରିବ, ସେ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ। ମନେକର 1-2 କେବୁଲ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ 1-2-3 ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2-3 ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି, 2-3 ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ 2-3 ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା କାପାସିଟାନ୍ସ, କାପାସିଟାନ୍ସ ପାଖରେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଚେକ୍ କରାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏବେ। ଏଇଟା କାପାସିଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାପାସିଟର ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆରିଏଲ୍ ସୁଇଚ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଖାଲି ଜିରୋ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆରିଏଲ୍ ସୁଇଚ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଜିରୋ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏନ୍ସିବି ଇଏ ତାରଟା ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଆର ସେନ୍ସର ବହୁତ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଆମ୍ପିୟର, ଏସି ଆମ୍ପିୟର, ଏସି କରେଣ୍ଟ, ଏସି କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ୍ପିୟରରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସୋ କରୁଛୁ। ଏସି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସିମ୍ପଲ ଜଷ୍ଟ ତଳରୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ତାରଟା ଆମର ଫେଜ୍ ତାର ଅଛି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ତାରରେ ବି କଲେ ହେବ, ସେ ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ରଖିଲେ ଏମିତି। ଓକେ, ରଖିଲେ ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବା କଥା, ଯେହେତୁ ମୋର ବୋର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ଲୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜିରୋ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖାଇବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ, ଦୁଇଟା ଯାକ ତାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛି। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ତାରକୁ କେବେ ବି ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ, ତା ଜ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାର ଏମିତି କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ରଖିଲେ ସିଏ କାମ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖାଇବନି। ସେ ଆଇଦର ଫେଜ୍ଟାକୁ ରଖିବେ ନହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲଟା ରଖିବେ, ତ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟର ଯେତେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ, ଯେଉଁ ତାରର ଯେତେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଡିସପ୍ଲେ କରିବ। ଓକେ, ସବୁବେଳେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ, ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ତାର ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ, ତାର ଯଦି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲୋଡ଼ ମାପୁଛୁ ଆମେ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲୋଡ଼ ମାପୁ। ତାପରେ ଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରିସର୍ଭର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆର ହେଡ଼୍ଟା ମୁଭେବୁଲ। ଆପଣ ଯଦି ତାରର କୌଣସି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଏମିତି ଲଗାଇବେ, ୱାନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭେବୁଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେସିନ୍ଟା ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ଟା, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହଁ କି ଯେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ କାମ କରିବ, ଜଷ୍ଟ IP20 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ବନା ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ମାର୍କେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 4,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ 4,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ଟିକିଏ ଏତେ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ତ କହିହେବନି, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ଏଇ ସାଇଜ୍ର ବି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଉଛି, କ୍ଲାମ୍ପର ମିଟର କିମ୍ବା ଟଙ୍ଗ୍ ଟେଷ୍ଟର ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବଡ଼, ପ୍ଲସ୍ ଆର କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ମାନେ ଆର ରେଞ୍ଜ ବି ହାଇ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ଫିଲ୍ଡ କାମରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ କାମ କରେ।